CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। किसान यूनियन लखोवाल ने की पंजाब में पोस्त की खेती करने की मांग। किसान यूनियन लखोवाल की मीटिंग आज जिला फजिलका में पंजाब बॉडी द्वारा की गई, जिसमें किसान यूनियन लखोवाल के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लखोवाल, मीत प्रधान सुखपाल सिंह बुटर, गुरविंदर सिंह प्रेस सेक्रेटरी व अन्य लोगों ने भाग लिया, जहां कई किसानों को अपने जत्थेबंदी के साथ जोड़ा गया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिला फजिलका में आज उन्होंने गुरबेज सिंह विरक को जिला फजिलका किसान यूनियन लखोवाल का प्रधान नियुक्त किया है। ये हमसे पहले भी जुड़े रहे और इनकी बेहतर सेवा को देखते हुए इनको ये सेवा सौंपी गई है। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि वो फजिलका जिले में तारबंदी के पार खेती करने वाले किसानों का समा बढ़ाने व किसानों को पूरा नहरी पानी दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आवारा पशु किसानों के लिए आए दिन मुसीबत का कारण बन रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए भी यत्न किए जाएंगे। वहीं उन्होंने सरकार से हर किसान को एक किला जमीन में पोस्त की खेती किए जाने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर हर किसान को एक किला जमीन में पोस्त की खेती करने की इजाज़त दी जाए तो पंजाब के किसान खुशहाल हो सकते हैं और सरकार को भी अच्छी आमदनी हो सकती है। वहीं उन्होंने SYL नहर के बारे में बोलते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर SYL नहर नहीं बनने देंगे और राजस्थान को पंजाब जाने वाला पानी भी रुकवाया जाएगा और उसकी वसूली भी करेंगे। वहीं इस मौके पर किसान आगू ने कहा कि दूसरे राज्य बाहर से बिजली खरीद कर 3 रुपए प्रति यूनिट आम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार महंगे दामों पर बिजली दे रही है, जिसके लिए भी किसान यूनियन संघर्ष करेगी। वहीं नए बने जिला प्रधान गुरभेज सिंह विर्क ने कहा कि जो किसान यूनियन द्वारा उनको ओहदा सौंपा गया है वो उस पर खरा उतरेंगे और किसानों के संघर्ष के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। उन्होंने आने वाले सीजन के दौरान कंप्यूटर काटे व और किसानों को दी जाने वाली सुविधा दिलवाने की बात कही। मैं ये बयान करना भी दिल्ली दे विच बिजली मुल लैके 2.5-3 रुपये जिहड़ी दित्ती जा रही है ते पंजाब दे नाल क्यों विकरा कीता जा रहा है, इन्हां नूं भी सस्ती रेट ते बिजली दित्ती जावे। ते दूजी जिहड़ी 2 महीनों दा साथों बिल लैंदे ने उह 1 महीने च लैण, क्योंकि जिन्नियां जिन्नियां साडियां यूनिटां जा रहियां ने उन्हें रेट वध करते हैं, इन्हां दी मारू नीति है। किसान यूनियन इहदे नाल संघर्ष करेगी ते आपदी आवाज़ उठाएगी। मैं हरिंदर सिंह लखोवाल जनरल सैकटरी भारतीय किसान यूनियन, अज असी फाजिलका दे विच गुरभेज सिंह विरक जी नू नवीं जिम्मेवारी सौंप के चले हाँ। जिले की इन्हों जिम्मेवारी प्रधान बनाया गया ते असी होर भी जिहड़ियां अहुदेदारियां दित्तियां गईयां ने अज ते होर भी मैंबर बने हाँ। असी इन्हां तों उम्मीद करदे हां कि पूरी तनदेही नाल पूरे मन दे नाल किसान यूनियन नू अगे चुकण दे विच इह सहाई होणगी। साडियां जिहड़ियां किसान यूनियन दीआं मुख मंगां ने उहदे च असी किसानां दा समुच्चा कर्जा माफ करवाउणा, बिजली दे बिल जिहड़े पंजाब च वध ने सारियां स्टेटां नूं 5 रुपए यूनिट बिजली दे बिल करवाउणे, जिहड़ा नहरी पाणी आ इत्थे वड्डी समस्या भी नहरी पाणी नहीं मिल रिहा, खाले टुटे होए ने उह नहरी पाणी दवाउणा, इत्थे जिहड़ियां पार वालियां जमीनां ने तार तों बाहर वालियां उत्थे जाण दी इजाजत नहीं, 10-11 बजे तों बाद खोलदे आ ते 4 बजे तक बंद कर दिंदे आ। उह असीं कहिंदे वी 8 बजे तों लै के शाम दे 6 बजे तक उह खोलिया जावे। जिहड़े कोई पाल इह जानवर ने आवारा पशु आ उन्हां दी वी असीं इह मंग लै के आए हाँ, पंजाब लैवल ते मंग करदे हाँ उन्हां दा प्रबंध कीता जावे, नहीं तां असीं इह आउण वाले समयां दे विच इह शहरां दे विच वड्डे शहरां च असीं सारे आवारा पशु छड्ड देवांगे। इह जिम्मेवारी सरकार दी होऊ। चौथी मंग खसखस दी खेती, असीं मंग करदे हाँ जिवें होर सूबिया 12 सूबिया च खसखस की खेती की मांग हैगी आ, पंजाब दे विच भी सानू पटे बना के दिते जाण ते खसखस की खेती की सानू इजाजत दिती जाए। एक अज नवां होर फैसला आया केंद्र सरकार ने WTO जिहदे खिलाफ़ असीं पिछले 20-25 साल तो लड़दे हाँ, हुणे फैसला आया उह सरकार ने लागू करता, उहदे नाल की होणा, साडियां जिहड़ियां फसलां ने नहीं बिकणियां 2 सालां दे विच, तुहाडी फसल किसे ने नहीं बिकणी, MSP खत्म हो जाणियां, बड़ा किसानां दे मारू फसला फैसला। जिवें अज्ज असीं 1800 की गल करते हैं भी 3600 नूं बिके, ये 1000 रुपए नूं बिकूगी। इसलिए वीरो डट के संघर्ष करो, डट के साडा साथ दवो, असीं इह लागू नहीं होण देवांगे ते असीं तुहाडे नाल वादा करके जाने हां भी किसान ते हितां दी राखी लई सदा असीं तुहाडे नाल खड़ के लड़ाई लड़ांगे। भारतीय किसान यूनियन असीं पहलां भी SYL रोकी सी 6 महीने नहर दे विच, असीं नहीं सी निकलन दित्ती, अज्ज भी असीं वार्निंग दिंदे हां
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਸ ਖਸ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭੰਗ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆ, ਭੰਗ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, CM ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਸ ਖਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 2 ਪੱਟੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਬੰਦ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਸ ਖਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।